दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर सोच के साथ जीना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हो चुके हैं और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पितरों की वजह से ही घर की सुख शांति में रुकावट पैदा हो रही है और आपके बनते हुए कार्य बिगड़ से जा रहे हैं, या आप संतान की कमी, धन की कमी या कर्ज से अत्यधिक परेशान हो चुके हैं, या आपका भाग्य भी आपका साथ ही नहीं दे रहा है? तो मित्रों, इस बार के पितृ पक्ष श्राद्ध में यदि आप दीपक से जुड़ा यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आप सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति पा सकेंगे। यह एकमात्र उपाय ही आपको धनवान और मालामाल भी बनाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी यह एकमात्र उपाय ही जल्द से जल्द पूर्ण करेगा। इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही अद्वितीय, दुर्लभ और दिव्य संयोग लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष में राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ लक्ष्मी योग भी बन रहा है। मित्रों, यही वजह है कि इस बार के पितृ पक्षों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और इस बार अगर आप दीपक से जुड़ा या आसान सा सरल सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी लगभग लगभग सारी समस्याओं का हल इन पितृ पक्षों के समाप्त होने से पहले ही हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में हमारे श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये सारे दिन पितृपक्षों को समर्पित हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पितृपक्ष अर्थात ये पितरों का पक्ष है, यानी कि ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पितृतर्पण एवं पिंडों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्षों के दौरान पूर्वजों का तर्पण एवं श्राद्ध न करने से पितृ दोष लगता है। मित्रों, आपको बता दें कि ये पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्षों के दौरान यदि अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे हमारे पितर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उस घर के हर एक सदस्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारे पितरों को देवतुल्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि जिन पर उनके पितरों की कृपा होती है उनसे सारे देवी देवता भी काफी हद तक प्रसन्न रहते हैं और अपना आशीष उन पर बनाए रखते हैं। पितृपक्ष के सारे दिन पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्यों का आयोजन करने से बचना चाहिए। पितृपक्षों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध जैसे पुण्य कार्यों को करके उनका आशीष प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है मित्रों कि यदि अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध एवं तर्पण नहीं किया गया
तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पूर्व मनुष्य को अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि पितृ दोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना गया है, इसलिए पितरों की शांति के लिए प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृ पक्ष श्राद्ध होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवारजनों से खुश रहते हैं उस परिवार को देवी देवताओं का भी आशीष प्राप्त होता है, और शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों से उनके पितर प्रसन्न नहीं होते उन्हें ही पितृ दोष जैसा श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वे जीवन में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृ पक्षों में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान एवं असरदार उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। साथ ही हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, इस उपाय को सही ढंग से करने के लिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, वैसे तो इस उपाय को पितृ पक्षों में रोजाना ही करना चाहिए क्योंकि यही 16 दिन पितरों को समर्पित रहते हैं, किंतु अगर रोज ना कर पाए तो केवल पितृ पक्ष की पूर्णिमा, पितृ पक्ष की अमावस्या और पितृ पक्ष की ही एकादशी के साथ आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन इस उपाय को अवश्य करें। मित्रों, ध्यान रहे कि यह उपाय आपको केवल और केवल संध्याकाल या रात्रि के समय ही करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय बिल्कुल भी ना करें। इस उपाय को करने के लिए अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके पश्चात एक दिया तैयार करें और दिए में रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। यदि शुद्ध घी ना हो तो दिए में सरसों का तेल भी भर सकते हैं और इस दिए में आप थोड़े से काले तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का, आटे का किसी भी प्रकार के दिए को ले सकते हैं। यदि आप आटे का दिया लेते हैं तो दिए को साफ आटे से ही बनाएं और ध्यान रखें आटे में नमक बिल्कुल भी ना डालें। दिया बनाने के पश्चात अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ कर लें। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में कोने में कोई बाथरूम बना हुआ है या स्टोर रूम या कोई खाली स्थान ही नहीं है तो आप अपनी रसोई के दक्षिण कोने को साफ करें, और यदि रसोई में भी साफ सुथरा खाली स्थान ना हो तो आप अपने कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके फिर वहाँ पर इस दिए को रख दें। यदि किसी कमरे में भी जगह नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को ऐसे रखें कि जो दिए की बाती या लौ है वो दक्षिण दिशा की ओर हो, यानी कि दिया का मुख की ओर करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधा जमीन पर बिल्कुल भी ना रखें।
दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी या प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें, लेकिन दिए को सीधा जमीन पर बिल्कुल भी ना रखें। जमीन पर सीधा रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिए को जलाने के पश्चात सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, इसके पश्चात अपने पितरों को प्रणाम करें और भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति व मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी की महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवतायै नमः। पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप कर किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से एवं बताए गए मंत्र का जाप करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितरों के आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप अपने पितरों एवं पूर्वजों को प्रणाम अवश्य करें और सभी कष्टों, कर्जों एवं दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। मित्रों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह उपाय यदि महिलाएं करती हैं तो पीरियड्स के दौरान इस उपाय को बिल्कुल ना करें। इस उपाय को ज़रूरी नहीं कि परिवार का एक सदस्य ही हर बार रोज़ाना करे, इस उपाय को कोई भी कर सकता है और यह भी ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को केवल पुरुष ही कर सकते हैं, इस उपाय को घर की बहुएं व बेटियां भी कर सकती हैं। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्षों में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, अंडा, तंबाकू, शराब, सिगरेट आदि का भूलकर भी सेवन ना करें और ध्यान रखें कि दिया सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही जलाएं। और यदि आप किसी और के घर गए हुए हैं तो कृपया करके किसी और के घर में इस दिए को अपने पूर्वजों के नाम पर बिल्कुल भी ना जलाएं। दिए को घर पर ही जलाएं और कोई भी शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों को करने से बचें और ध्यान रहे कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया वाहन या वस्तुओं को खरीदने से बचें। मित्रों, रोजाना की ज़रूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्षों में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्षों के दौरान ब्राह्मण, गायों, कुत्तों, बिल्ली, चींटियों को भोजन अवश्य कराएं। पितृपक्षों के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ लगाने से बचें और इस दौरान लड़ाई झगड़ों से भी बचे रहें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी कार्यों को करने से बचें और ध्यान रहे कि यदि आपने दिए के नीचे चावल रखे हुए हैं तो उन चावलों को सुबह होते ही चिड़ियों को दाने के रूप में अवश्य खिलाएं। तो मित्रों, यह थी आज की खास वीडियो। आशा है आज की इस प्रस्तुति में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।